प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हुआ है। देखिए साफ तौर पर मुद्दे जो हमारे हैं, जिन मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, मुद्दा रोजगार का हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो। पूरे देश के साथ साथ टिहरी लोकसभा सीट में भी चुनावी दंगल जारी है। एक तरफ है निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार की पावर, तो दूसरी तरफ है महारानी का स्टार प्रचार वार। अब की बार 400 पार, क्या बीजेपी के सामने टिक पाएंगे बॉबी पवार? उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का चुनावी घमासान पांचों सीटों पर जारी है, किंतु जो सुर्खियां टिहरी लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को मिल रही हैं, उसे देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान हो जाएंगे। बॉबी पवार के पास वो कौन सी पावर है जिसके दम पर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत किसी छोटे चुनाव से नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े चुनाव से कर दी है। भारत की राजनीति में उत्तराखंड के एक छोटे गांव से उदयमान इस हीरे को किसने तराशा है, जिसे आज टिहरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड से बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस पर बॉबी पवार का क्या कहना है, जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपने विचारों को हम तक व जनता तक जरूर पहुंचाएं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट भारतीय राजनीति में एक अलग अध्याय लिखने जा रही है, जहाँ पर देशव्यापी मोदी लहर के बीच जनता ने अपना प्रत्याशी चुना है। नाम है बॉबी पवार। वैसे तो बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किंतु बॉबी पवार निर्दलीय होते हुए भी अनेक दलों को अपने में समाहित कर रहे हैं, या यूं कहें बॉबी पवार में अनेकों दल समाहित हो रहे हैं, जिस कारण वे जनता के नेता बन चुके हैं। टिहरी लोकसभा की राजशाही वाली सीट महाराणा प्रताप के राजाभिषेक की याद दिलाती है। मेवाड़ की गद्दी से किस प्रकार से मेवाड़ की प्रजा ने अयोग्य जगमाल को हटाकर कुंवर प्रताप को मेवाड़ का महाराणा प्रताप बनाया था। इतिहास में महाराणा प्रताप ही एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्हें जनता ने स्वयं चुना था। आज बॉबी पवार को देखकर इतिहास की वो घटना याद आ जाती है। हालांकि बॉबी पवार महाराणा प्रताप की तरह राजकुमार नहीं है और ना ही महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह की तुलना जगमाल से की जा रही है। लोकतंत्र और राजतंत्र में बहुत अंतर होता है, चाहे प्रजा का मोह कैसा भी क्यों ना हो। टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाहियों का दबदबा पहले से ही रहा है। राजशाहियों के सामने कम ही लोग टिक पाए हैं, किंतु इस बार के चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता बॉबी पवार के साथ खड़ी है। बॉबी पवार के समर्थकों का कहना है कि इस बार प्रजा और नेता के बीच चुनाव हो रहा है। नेता मतलब बड़े बड़े नेता। देखना होगा कि प्रजा का एक तबका अपने कुंवर प्रताप को महाराणा प्रताप बना पाएगी या फिर कुछ कमी रह जाएगी। खैर जो भी हो, फिलहाल हम अभी की बात करते हैं। भारतीय राजनीति में बॉबी पवार नाम का एक हीरा उदयमान हो गया है। हीरा इसलिए क्योंकि उन्हें चुनाव चिन्ह भी हीरा ही मिला है। समर्थकों का कहना है कि हीरा को हीरा ही मिला है। बॉबी पवार की पावर देखकर आजीवन राजनीति करने वाले दिग्गज भी सकते में रह जाते हैं। सरकारें हिल जाती हैं, भ्रष्टाचारी चटपटाने लगते हैं। जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है किंतु उसके कार्य बेमिसाल हैं। गरीब परिवार है, स्वयं बेरोजगार है, किंतु ये शेर अच्छे अच्छों को ढेर कर देता है। उत्तराखंड को अपने दिल में बसाए हुए बॉबी पवार की आंखों में उत्तराखंड के प्रति अपार प्यार व करुणा में दर्द झलकता है। अपनों के अधिकारों के लिए लड़ने का जज्बा उन्हें औरों से अलग बनाता है। पढ़ाई के बाद जब वे नौकरी की तलाश में गए तो उन्होंने महसूस किया कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद बॉबी पवार ने अनेकों भर्ती घोटाले पेपर लीक मामलों का खुलासा किया। भर्तियों में हो रही धांधली के विरोध में उन्होंने CBI जांच की मांग की। उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष होते हुए पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के लिए एक लड़ाई लड़ी, सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया, लाठियां खाई और जेल की यात्रा भी की। बॉबी पवार के असाधारण संघर्ष की बदौलत ही उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बन पाया और 100 भ्रष्टाचारियों को जेल हुई। प्रदेश व्यापी इन घटनाओं से बॉबी पवार काफी सुर्खियों में आ गए और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी। उनकी मेहनत, ईमानदारी, जुजारूपन के न सिर्फ बेरोजगार युवा बल्कि अन्य पार्की लोग भी मुरीद होने लगे। इस हीरे को लोग तराशने की सोचने लगे। बॉबी पवार का संपर्क लगातार उत्तराखंड के हितेशियों से होता रहा।
ये वे हितैषी हैं जिनके दिलों में उत्तराखंड के प्रति प्यार और दर्द है। सभी को लगने लगा बॉबी पंवार उत्तराखंड का भला कर सकता है। इसके पास सबसे बड़ी शक्ति उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम की है, साथ ही धैर्य, बेहतर कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता, सटीक जानकारी, निर्भीक अंदाज और ईमानदार हृदय इसे और अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए बॉबी पंवार को आगे करना होगा। विद्वानों के विचार विमर्श के बाद बॉबी पंवार को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया। बॉबी पंवार भी समझ चुके थे उत्तराखंड के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़नी है जिसे सड़कों पर नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए संसद या विधानसभा में हमारे लोगों का पहुंचना आवश्यक है। बॉबी पंवार इन सभी बातों को प्रेस वार्ता व अपनी सभाओं में भी स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। यही कारण था कि बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में कूद पड़े। इसकी खबर जैसे जैसे गांव गांव तक पहुंची तो अनेकों लोगों को ऐसा लगा मानो उनकी मुरीद पूरी हो गई हो। अनेकों लोग अपना प्रेम और समर्थन के साथ बॉबी पंवार को हाथों हाथ लेने लगे। उत्तराखंड के अधिकारों के पक्षधर लोग बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों की सदस्यता व जिम्मेदार पदों से इस्तीफा देकर बॉबी पंवार के समर्थन में जुड़ने लगे। बॉबी पंवार के शेर दिल की प्रशंसा इसी बात से की जा सकती है कि राजनीति में अनुभवहीन होते हुए भी उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया। शहरों से सुदूरवर्ती गाँव तक पहुँचने, प्रचार प्रसार करने में संसाधनों की आवश्यकता होती है। बॉबी पंवार स्वयं एक गरीब परिवार से आते हैं, पिता का साथ नहीं है, उनकी मां किसी तरह से अपना घर चलाती हैं। बॉबी पंवार के पास इस चुनावी समुद्र में जनबल तो था लेकिन धनबल नहीं, किंतु लोगों को इस बात की खबर थी और सभी ने स्वेच्छा से निर्णय लिया कि बॉबी पंवार के इस चुनावी रण में हम स्वयं खर्चा करेंगे और यथासंभव मदद बॉबी तक पहुँचाएंगे। बॉबी पंवार के अधिकतर समर्थक मध्यम व गरीब परिवार से आते हैं, फिर भी हर किसी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप चंदा देकर बूंद बूंद से गागर भरने का कार्य किया। इतिहास में ऐसा प्रत्याशी और ऐसी जनता शायद ही देखने को मिली हो। टिहरी की जनता अपने प्रत्याशी को खर्चा देकर के चुनावी मैदान में मजबूती दे रही है। ये जनता ही बॉबी पंवार की सबसे बड़ी पावर है। वह स्वयं व उनके शुभचिंतक उनके सबसे बड़े पथ परिचायक है। ये नए भारत का इतिहास बन रहा है। टिहरी लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार वोट के लिए नोट की बरसात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता अपने प्रत्याशी को वोट के साथ साथ नोट भी दे रही है और श्रद्धापूर्वक अपने इष्टों का रोट भी दे रही है। ये प्यार और समर्थन बॉबी पंवार को जिताने व उत्तराखंड को बचाने के लिए किया जा रहा है। बॉबी पंवार की चुनावी रणनीति बीजेपी और कांग्रेस से भिन्न है, जिसे आप इसी वीडियो में देखेंगे। जहां एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ढोल दमाव रणसिंघे के साथ कांग्रेस की पारंपरिक राजनीतिक शैली के अनुसार प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, जबकि बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से स्टार वार से चुनावी जनसभाओं में मतदाताओं को साधने में लगी है। बीजेपी द्वारा इस बार 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा है। बॉबी पंवार के लिए उनके समर्थक उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके पास बहुत बड़े लोगों का प्रचार तंत्र नहीं है और ना ही साम दाम दंड भेद करने की विचारधारा। उनके पास अपनी देवभूमि है और 24 साल के उत्तराखंड के हाल। वे जहां जहां जाते हैं वहीं की समस्याएं गिनाते हैं, लोगों को लोगों की पीड़ा सुनाते हैं। जो नींद में कहते हैं सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बॉबी पंवार उन्हें नींद से जगाते हैं। वो माहौल के हिसाब से बढ़ जाते हैं। बॉबी पंवार उत्तराखंड की जमीन और यहाँ की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझते हैं। वे खुद को नेता नहीं बेटा कहते हैं, अपने से बड़ों को अपना अभिभावक मानते हैं। वे सभी की समस्याओं व उनके दर्द जानते हैं। बॉबी पंवार को देखकर अनेकों लोग कहते हैं कि देखो सिरदेव सुमन फिर से आ गए हैं। वे सभी के चहेते हैं धन और यश से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वह बॉबी पंवार के बारे में जानता है, उन्हें समझता है, तो बॉबी पंवार के सामने आकर उसका व्यक्तित्व कुछ अलग ही नजर आता है। वे सभी के हितों के लिए लड़ते हैं, चाहे पूर्व सैनिकों के हितों की बात हो या फिर बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं का साथ हो, चाहे बेरोजगारों का संघर्ष हो या राजनीति का फर्श हो। वे चुनाव के दौरान लोगों को किस प्रकार से समझाते हैं इस वीडियो क्लिप में देखिए, उसके बाद आगे की बात होगी।
रहकर आप लोग काम कर रहे हैं, उस संवैधानिक दायरे में रहकर आप लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। पर आज जो ये संघर्ष करने का दायरा है, जो सड़कों पर लड़ने का दायरा है, जो ज्ञापन देने का एक दायरा है, पुतला दहन करने का दायरा है, रैली करने का दायरा है, ये एक सीमित दायरा है। आज हमारे बुजुर्गणों को भी समझना पड़ेगा और आज हमारे युवा साथियों पर, हमारी मातृशक्ति को समझना पड़ेगा, ये सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। हमारे जो नीति निर्माता है, जो नीति नियंता है, वो विधानसभाओं और संसदों के अंदर बैठते हैं। वो तय करते हैं कि किस गांव में सड़क होनी चाहिए, वो तय करते हैं कि किस गांव में पानी होना चाहिए, वो तय करते हैं कि किसको क्या योजना मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं, हम आपके बीच के और आपके बच्चे हैं, हम आपके बीच के एक गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ बालक हूँ, और लंबे समय से जब हम तैयारी कर रहे थे और तैयारी करते करते जब हमारे बीच के कुछ ऐसे धन्ना सेठ जिनके पास पैसों की कमी नहीं, कोई ठेकेदार, कोई ऐसे जनप्रतिनिधि, कोई प्रॉपर्टी डीलर, वो नौकरी खरीद कर वो नौकरी लग रही थी, हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। आप सभी के बच्चे देहरादून में हमारे साथ आए और हमारा सहयोग करा, तब जाकर हम इस तानाशाही सरकार को झुका पाए। जो सरकार ये कहती थी कि हम पारदर्शी रूप से पूरा काम कर रहे हैं, उस सरकार को अंततः झुकना पड़ा और 100 माफिया, लगभग 100 माफिया, परीक्षा माफिया जो जेलों के अंदर आज डाले हैं, वो सब आप लोगों के बच्चों के और हम सबकी मेहनत से। उसके बाद जब बात नहीं बनी, युवाओं ने देहरादून को जाम कर दिया, युवाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए। लोकतंत्र के इस महापर्व में बॉबी पंवार जैसे प्रत्याशी बहुत कम नजर आएंगे। बॉबी पंवार के अधिकतर चुनावी कार्यालय उनके समर्थकों द्वारा स्वयं के खर्चे से खोले गए हैं। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार के प्रति लोगों में जिस प्रकार का जोश है, उसे देखकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक फसल दशकों से उगाई रहती है। उनके पास लाखों लोगों की सदस्यता होती है, हजारों कार्यकर्ता होते हैं। बीजेपी इस समय पीक पर चल रही है। मोदी के चेहरे पर कई प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में टिहरी सीट पर यही देखा गया। प्रत्याशी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी अपनी राजनीतिक समझ हो या ना हो, किंतु मोदी से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। टिहरी लोकसभा सीट से भी निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार की पावर की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह से ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी और सीएम धामी से भी है। बीजेपी की इस महाशक्ति को बॉबी पंवार कितनी टक्कर दे पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्या इस बार निर्दलीय बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा सीट से विजय होकर इतिहास बनाने वाले हैं, या बीजेपी 2024 में 2019 के जीत के अंतर को और अधिक बढ़ाने वाली है, या फिर बॉबी पंवार और माला राज्यलक्ष्मी शाह में कांटे की टक्कर होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बने रहिएगा खबर चक्र केसी के साथ। नमस्कार। देखिए, साफ तौर पर मुद्दे जो हमारे हैं, जिन मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, मुद्दा रोजगार का हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा चाहे मूल निवास भू कानून का हो, मुद्दा हमारा चाहे आज अग्निवीर का मुद्दा हो, या हमारा ओपीएस का मुद्दा हो, या वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, पुलिस के 4600 ग्रेड पे का मुद्दा हो, हमारे होमगार्ड के 365 दिन की रोजगार की हो, या कैलेंडर की जो बात है, वार्षिक कैलेंडर की बात हो, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है। और हमारे युवा साथी ये चाहते हैं कि इस बार मजबूती से अगर लड़ा जाए तो तमाम मुद्दों पर हम विजय पा लेंगे, तमाम मुद्दों पर हम सॉल्यूशन पाएंगे। देखिए, हम लोग बड़ी मेहनत से दिन रात इस चुनाव में लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारी टीम इतनी मेहनती है कि एक एक टाइम का खाना खाकर इस चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस ईमानदारी और प्रमाणता के साथ ये टीम काम कर रही है, ये टीम इस बार विजय जरूर पाएगी। जैसे देखते हैं ऊपर पहाड़ों में और मैदानों में जो समर्थन, जब हम पहाड़ों में गए तो पहाड़ों की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला। आजकल मैदानों में हम कैंपेन कर रहे हैं तो मैदानों की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। सीधी सी बात यह है कि इन सभी लोगों का, इन उत्तराखंडियों का ये कहना है कि जिस सपने को लेकर ये उत्तराखंड बनाना हमने चाहा था, हमें वो उत्तराखंड चाहिए, और वो तब मिल पाएगा जब युवाओं के हाथ में बागडोर हो।